वहीं सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर संघ परिवार में नाराजगी के स्वर सुनाई देने लगे हैं। संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ ने बढ़ती बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ 3 जनवरी को देश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। निजीकरण से नाराज भारतीय मजदूर संघ केंद्र के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। 3 जनवरी को सरकार के खिलाफ आंदोलन, केंद्र सरकार की नीतियों का विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, संघ परिवार से भी अब विरोध की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ ने देश में बढ़ती बेरोजगारी, विनिवेश और निजीकरण का विरोध किया है। आंख बंद करके एक तरफा पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन है, रेलवे की फैक्ट्री का, डिफेंस की फैक्ट्री का, इनका कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, भारतीय मजदूर संघ स्ट्रांगली इसके विरोध में है। संगठन का दावा है कि सरकारी योजनाओं के तहत काम करने वाले लोगों में 87% लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों को सरकारी कर्मचारी के रूप में समाहित किया जाना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर बीएमएस ने 3 जनवरी को देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है। भारतीय मजदूर संघ ने 3 जनवरी को देश के सभी जिला केंद्रों पर हम एक देशव्यापी अभियान चला रहे हैं, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। फरवरी में हम हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव में अपने आगामी कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। बीएमएस के दावे के मुताबिक सरकार एफडीआई के मामले में देश को मिसलीड कर रही है। इसी तरह विनिवेश के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को खत्म किया जा रहा है। संगठन का दावा है कि लेबर लॉ के प्रावधानों में भी सुधार की जरूरत है और मजदूर विरोधी प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ के इन दावों पर बीजेपी ने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका कहना है कि संगठन को सरकार से बातचीत करनी चाहिए। बहुत से जो उन्होंने बात रखे हैं, जैसे महंगाई कम की जाए, नौकरी ना दी जाए, ये सब तो सरकार का भी एजेंडा है। अपने लोग हैं, सरकार तो हमेशा बात करने के लिए तैयार रहती है, और जब मिल बैठ कर बात करते हैं तो एक दूसरे की बातों को समझते हैं। बीएमएस ने जो मुद्दे उठाए हैं वो पहले भी दूसरे मजदूर संघ उठाते रहे हैं, इसलिए सरकार समर्थक संगठन होने के बावजूद बीएमएस के लिए इन मुद्दों को उठाना अब मजबूरी हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।